गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास में चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप सबको बता रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले दिनों हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला के बारे में सुना था, आज हम आपको सेक्शन फार्मूला के बारे में बता रहे हैं। स्टूडेंट्स, सेक्शन फार्मूला में सबसे पहले हम यहां एक पॉइंट लिए जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, फिर एक और पॉइंट हम ले रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका नाम b है। हम इस दोनों पॉइंट को मिला दिए। आप देख रहे हैं कि यह एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट पर हम एक पॉइंट p जिसका कोऑर्डिनेट xy है और यह पॉइंट p इस लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में अंदर से डिवाइड कर रहा है। अंदर से डिवाइड करने के लिए हम इसे इंटरनल डिवीजन फार्मूला भी कहेंगे। सेक्शन फार्मूला में यह फार्मूला इंटरनल डिवीजन फार्मूला कहलाता है। इंटरनल डिवीजन फार्मूला में अब स्टूडेंट्स, जब हम इसके एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट की चर्चा करें तो यह एक्स इक्वल टू m इंटू एक्स टू प्लस m इंटू एक्स वन बाई m प्लस n होगा और इसका यह y कोऑर्डिनेट m y टू प्लस n y वन बाई m प्लस n हुआ। इस प्रकार हम इस पॉइंट p का कोऑर्डिनेट m x टू प्लस n x वन बाई m प्लस n और m y टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन कहेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी इस फार्मूला को याद रखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा वहां पे इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आपको इसी में अब दूसरा फार्मूला इसका है, जब यही पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के पूरे बीचों बीच हो तो यह इस लाइन सेगमेंट को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। हम आपको अब जब यह पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट के ठीक बीचों बीच है यानी इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा हो तो उसे मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। तो अब मिड पॉइंट फार्मूला की चर्चा कर रहे हैं। इस सेक्शन फार्मूला में हमने अभी इंटरनल डिवीजन फार्मूला की चर्चा की है, लेकिन अब आपको हम बता दें मिड पॉइंट फार्मूला क्या है। तो मिड पॉइंट फार्मूला में सबसे पहले हम एक पॉइंट यहां लिए जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट b लिए जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। हम इस दोनों पॉइंट को मिला दिए। मिलाने पर यह एक लाइन सेगमेंट बना। ठीक बीच में हम एक पॉइंट को रखे जिसका कोऑर्डिनेट xy है। स्टूडेंट्स, यह पॉइंट p इस लाइन सेगमेंट ab को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम अब कहेंगे कि इसके x कोऑर्डिनेट का वैल्यू x1 प्लस x2 बाय 2 होगा और y कोऑर्डिनेट इसका y1 प्लस y2 बाय 2 होगा। यानी पॉइंट p का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2 होगा। तो स्टूडेंट्स, आप देखें कि यहाँ हमने सेक्शन फार्मूला में आपको दो तरह के फार्मूला के बारे में चर्चा की। एक इंटरनल डिवीजन फार्मूला है, दूसरा यह मिड पॉइंट फार्मूला है। इसी दोनों फार्मूला के हेल्प से हम इस चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6B के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरा अगला वीडियो में तैयार है। हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। आप उसके लिए भी मेरा इंतजार करेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जैसे ही मिले आप उसको देखेंगे और देखने के बाद क्या हमें समझ में आए उस बात को हमें कमेंट करके निश्चित रूप से बताएंगे। आप इन वीडियो को यूट्यूब चैनल्स पर देख रहे हैं, यदि आप मेरे इस चैनल्स पर नए हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर देंगे, बगल में बेल आइकन्स बटन्स होगा उसे भी आप दबा देंगे और जो
भी परेशानी हो, जो भी दिक्कत है, जो नहीं समझ में आए, उसके लिए निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यही मेरा समाप्त हुआ है।